हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है मलाई से सीधा ही गरम करके घी। ये फ्रीजर में स्टोर की हुई मलाई को 24 घंटे पहले मैंने निकाल दिया और इसके अंदर दही डाल दिया था। और अब इसको मैं सीधा ही गैस पे रख के गरम करके घी निकालूंगी। तो इसको अपने गैस पे रख देते हैं। ये अब अपना मलाई में से घी तो सेपरेट होना शुरू हो गया है, पर इसके पहले ये गरम होने के बाद ये देखिए, ये जो निकला है ये पनीर है। इसको पहले छान लेते हैं ताकि अपने पनीर भी यूज कर सके और ज़्यादा पनीर सख्त भी ना हो जाए। तो पहले तो इसको छान के और ये फिर जो पानी बचेगा उसको उबालेंगे तो उसमें से घी निकलेगा। पहले इसको छानते हैं। ये अब अपने इसको धीरे धीरे छान लेते हैं और ये पनीर को सेपरेट करके, ये तो अपना प्रॉपर पनीर बन ही गया है। तो इसको सेट होने के लिए रख देते हैं पनीर को। तो ये अब अपना मलाई गरम करने के बाद ये इस तरह से इसके अंदर जो तो पनीर सेपरेट हो गया उसको अलग कर लिया है और ये घी जिसमें भरा पड़ा है इसको, ये अब पानी को गर्म करेंगे तो इसके अंदर से घी सेपरेट होगा और इसको फास्ट आंच पे ही गर्म करेंगे और चलाते रहेंगे। ये अब अपना घी, जो मलाई का पानी है पनीर निकाल के सेपरेट किया हुआ, इसको फास्ट आंच पे लगातार चलाएंगे ताकि इसके अंदर का पानी जल्दी से वेपोर अप उड़ जाए और अपने को इसके अंदर से घी मिले। तो इसको बस इसी तरह से फास्ट आंच पे बॉईल होने देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। और ये इस तरह से करने के लिए इसके अंदर हमेशा मोटे तले का बर्तन ही ले, कड़ाही, तपेला, कुछ भी, और जितनी क्वांटिटी है उससे 3-4 गुना बड़ा बर्तन ले ताकि ये बाहर स्पॉइल होके बाहर नहीं आए। ये मेरे को लगभग 18-20 मिनट हो गए हैं फास्ट आंच पे उबालते हुए और ये अब अपना घी सेपरेट होना शुरू हो गया है और इसको मैं 2-2 3-3 मिनट पे लगातार चलाती रहती थी ताकि घी बाहर भी नहीं आवे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पर बढ़िया सा घी, कम टाइम में ज़्यादा घी मिल जाएगा। ये अब अपना घी सेपरेट होना शुरू हो गया है, अभी जब तक सेपरेट नहीं होता तब तक फास्ट आंच पे लगातार चलाते रहेंगे। अब टोटली अपना ये घी सेपरेट हो गया है और अब इसको गैस को पहले तो कर देते हैं बंद और इसको छान लेंगे। और छानने के बाद 1-2 मिनट फिर से इसको गर्म कर देंगे ताकि कहीं जरा सा भी पानी का पार्ट रह गया हो तो वो भी जल जाए इसके अंदर। और ये घी को छानने के बाद वापस एक बार इसको अच्छे से गरम करके और फिर फाइनली एक बार लास्ट में फिर से डब्बे में छान लेंगे ताकि अपना घी एकदम शुद्ध मिले, पानी का पार्ट बिल्कुल ना रहे और लंबा भी चले। अपना घी वापस एक बार फिर से गरम होके तैयार हो गया है और इसको मैंने गैस को कर दिया है बंद और इसको अब छान लेते हैं। ये अपनी फाइनल प्रोडक्ट। और इस तरह से मलाई से डायरेक्ट घी बनाने से ये मलाई घी की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, लगभग 150-200 से 250 ग्राम घी ज़्यादा मिलता है इस तरह से करने से। ये मेरा डब्बा पहले आधा भरता था इतने ही घी में और अभी पौना भरने लगा है और ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता। अभी इसके ऊपर से भी ले लेते हैं और अपनी फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी है। और ये अपना बढ़िया सा देसी घी बन के रेडी हो गया है, रेडी टू यूज। ये पनीर को सेट करने के लिए मेरे पास इस तरह से पनीर मोल्ड है तो इस तरह से आता है तो ये, और उसके अंदर ये इस तरह से एक जाली रख देने की, इसके अंदर पनीर डाल देंगे
और उसके ऊपर ये ढक्कन लगा के उसके ऊपर कुछ हैवी चीज रख देंगे। और ये पनीर के मोल्ड में मैंने जो अपना पनीर बना है वो डाल दिया है। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और अब इसके ऊपर ये ढक्कन लगा के इसके ऊपर वजन रख देते हैं। और ये पनीर मोल्ड के ऊपर मैंने इस तरह से ये खाल होता है वो रख दिया है, हैवी है। और ये इस तरह से तो लगभग 1 2 किलो का वजन बना के इस तरह से सेट होने के लिए रख दिया है। अब सेट हो जाएगा, 1 घंटे के लिए होने देते हैं सेट। ना पनीर सेट होने के लिए रखा था, 1 घंटा हो गया। ये उतारा लगभग 2 किलो के करीब इसका मैंने वजन रखा था। और ये देखिए पनीर सेट हो गया है। अब इसके डीमोल्ड करके पीसीस करते हैं। इसको कर देंगे पहले उल्टा। और ये जो जाली है इसको हटाएंगे, नीचे प्रेस कर देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर से ये ले लिया। ये देखिए बढ़िया सा अपना पनीर सेट होके रेडी हो गया है। अब इसके करते हैं पीसीस। और घी के साथ साथ अपने को ये बाय प्रोडक्ट है, ये बढ़िया सा मलाई पनीर भी मिला है। ये बढ़िया सा अपना पनीर बन के हो गया है रेडी। बस इसको अब सब्जी बनाएंगे। इसको आप फ्रीजर में भी स्टोर करके रखते हैं, प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में, 1 महीने तक खराब नहीं होगा। रेडी है अपना पनीर। ये सीधे मलाई में से घी और उसकी बाय प्रोडक्ट मलाई पनीर बन के रेडी है। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।